ये देखो दोस्तों, ये मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं। आप खुद ही देख सकते हो कि एकदम सॉफ्ट है और इनके अंदर का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। चाशनी भी अच्छे से पी है इन्होंने। और तो और दोस्तों, ये गुलाब जामुन बनाने में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। सामान भी ज्यादा नहीं लगेगा और कोई मैदा या ऐसी कोई चीज नहीं डाली है, इसमें सीधा गेहूं का आटा डाला है। तो त्योहार के सीजन में इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हमें गुलाब जामुन बनाने हैं, वो भी बिना खोए के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ब्रांड का, डेरी वाइटनर भी चलेगा, उससे भी आप बढ़िया गुलाब जामुन बना सकते हो। बस इसमें बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा कम, 1-2 चम्मच कम, आप यहाँ पर गेहूं का आटा डालना, और गेहूं का आटा ही बहुत ही अच्छी बाइंडिंग दे देता है। इस गुलाब जामुन को हल्का सा फुलाने के लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून काफी होगा, और फिर यहाँ पर देसी घी डालना ताकि अंदर से भी आपके गुलाब जामुन अच्छे से पक पाए। पहले इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिला देना, अच्छे से एक एक कोने तक घी को फैला देना, और फिर यहाँ पर आपने डो लगाने के लिए दूध डालना है, लेकिन नॉर्मल दूध नहीं डालना, ना ही उबलता हुआ दूध डालना है दोस्तों, आपने यहाँ पर बस हल्का सा गर्म दूध डालना है। ये देखो 65-70 डिग्री के आसपास बॉईल नहीं किया है दोस्तों, हल्का सा गर्म किया है। जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर सीधा ही आप इसको इस बोल में डाल देना, और अभी पहले सारा मत डालना, अभी लगभग 3/4 कप डालना, और पहले अच्छे से इसको मिला देना। अगर आपको लगता है कि गरम गरम होगा, हाथ में लग सकता है, तो चम्मच का यूज भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे इतना गरम होगा नहीं, हाथ से आराम से हो जाएगा। अभी आपने जो इसका आटा लगाना है वो एकदम नरम होना चाहिए दोस्तों, एकदम नरम। तो मुझे थोड़ा सा दूध कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और डाल दिया है, और लगभग 1 कप से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने दूध डाला है। आप देखो जो ये आटा लगा है, एकदम आटा नहीं कह सकते, ये तो एकदम बैटर जैसा सा लग रहा है ना। लेकिन इसको जब ढककर रखेंगे ना 5 मिनट के लिए, ये अपने आप ही एकदम सेट हो जाता है दोस्तों, एकदम शॉक्ड हो जाओगे आप देखकर। तो आप इसको ढककर 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, ताकि आटा भी फूल जाए और मिल्क पाउडर भी सेट हो जाए, और उतनी देर में हम चाशनी बना लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर रेसिपी है ना दोस्तों गुलाब जामुन की, इसमें आपने चाशनी थोड़ी पतली बनानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है, और 2 कप चीनी में मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है। थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर केसर डाला है, और चाशनी को मुश्किल से आपने 5 मिनट तक पकाना है। ज्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, नहीं तो गुलाब जामुन के अंदर वो रस जाएगा ही नहीं। और जब भी आप गुलाब जामुन डालो चाशनी में, तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर देना, चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए, तो इसलिए आप फ्रेश चाशनी ही बनाना। जैसे ही अच्छे से उबाला आ जाए, तो एंड में मैंने यहाँ पर 3-4 इलायची कूट कर डाल दी है, ताकि उनकी खुशबू भी आए। और अगर मैं आपको टेक्सचर बताऊं तो कोई भी तार की चाशनी नहीं है दोस्तों, तार वार कुछ नहीं बना है। जैसे ही आप करछी से एक बार अपनी उंगली लगाकर देखोगे ना, तो बस आपको ऐसी सी फीलिंग आएगी जैसे कि आपके हाथ में तेल लगा हुआ है, वैसा हल्का सा चिपचिपासा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हमको चाहिए दोस्तों, थोड़ी सी पतली चाशनी चाहिए, क्योंकि हम आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर पतली चाशनी ही काम आएगी। बस हमारी चाशनी भी सेट है। अब मैं आपको बताता हूँ गुलाब जामुन कैसे बनाने हैं। अब आप देखोगे जब ढक्कन खोल के, तो ये तो बिल्कुल आटा लग चुका होगा। ये देखो आप, थोड़ा सा सख्त हो गया ना, और आप इसकी अब आराम से बॉल्स निकाल पाओगे, अपने हाथ में इसको कंट्रोल भी कर पाओगे। जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इस वेट के हिसाब से आप 18 गुलाब जामुन बना पाओगे, और हर एक गुलाब जामुन एवरेजली 22 से 23 ग्राम का होगा। आपने करना सिर्फ ये है कि आप डो लेना, उसको पहले अपने हाथ में अच्छे से मलना, मलना जरूर दोस्तों, ताकि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना रहे, और फिर अपने हाथ में गोल गोल शेप दे देना। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि भरत भाई ये तो इवन हुआ ही नहीं, तो दोस्तों इसको इवन करने के लिए आप एक फ्लैट सरफेस पे अपनी उंगलियों से इसको अच्छे से रोल कर लेना, और एकदम इवन गुलाब जामुन आपको मिल जाएगा, ना ही कोई क्रैक्स होगा, और एक चमक सी होगी इसमें दोस्तों, और आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अच्छा मैं आपको बता दूं दोस्तों एकदम क्लियरली, लगभग 6 से 7 गुलाब जामुन बनाने के बाद ये जो डो है ना, ये थोड़ा सा सूख जाता है, क्योंकि मिल्क पाउडर और आटा जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता ही रहेगा, तो ये डो जो है वो थोड़ा सा सूखने लग जाएगा। ये देखो आप, इसमें क्रैक्स बहुत आ रहे हैं ना, और अगर मैं इसको एक बॉल की शेप भी दे दूं, तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा क्रैक्स हैं, तो ये तो सही नहीं बने। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन पर आ जाओ ना दोस्तों, तो आप क्या करना कि आप थोड़े से दूध में अपनी उंगलियों को डिप करना, और इस आटे की लोई में इस दूध को मिला देना, एकदम से ये सॉफ्ट सा हो जाएगा, और इसको आराम से आप मल के एकदम इवन सी डो बॉल बना पाओगे, है ना, एकदम परफेक्ट। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना।
अब बस गुलाब जामुन को फ्राई करना है। लेकिन फ्राई करते वक्त दोस्तों मैंने एक गलती बहुत बार देखी है होते हुए, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। क्या होता है कि लोग हल्के से गर्म तेल में भी अगर गुलाब जामुन को डाल देते हैं तो उनमें बुलबुले से आने लग जाते हैं, और तो और कई बार ऐसा होता है एक साइड ज्यादा पक जाती है एक साइड कम हो जाती है। तो दोस्तों इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि थोड़े से भी गर्म तेल में आपको गुलाब जामुन को नहीं फ्राई करना, ना ही अंदर से सही से पकेंगे और थोड़े से हार्ड भी बनेंगे। फिर आप ध्यान देना कि तेल का टेम्परेचर लो हो, एकदम कम होना चाहिए, और गुलाब जामुन जो आपने फ्राई करने हैं वो एकदम लो फ्लेम पे आराम आराम से करने चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पर 120 डिग्री के आसपास गर्म तेल में एक एक गुलाब जामुन डाले हैं। बहुत सारे एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, लगभग 9 एक साथ डाले हैं मैंने, और आप देख सकते हो कि मेरा तेल भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेल में डीप फ्राई कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, मैंने जान मुझ के कम तेल का इस्तेमाल किया है ताकि तेल एकदम फ्रेश यूज कर सकूं और मैं ये दूसरा स्टेप कर पाऊं कि कढ़ाई के जो कोने कोने होते हैं उनको पकड़ के ऐसे घुमा पाऊं। ऐसे तेल को घुमाने से जो गुलाब जामुन है वो एकदम इवनली पकते हैं। आप अगर शुरुआत में करछी या कुछ भी डाल दोगे तो गुलाब जामुन को टच करके उसमें कोई भी क्रैक आ सकता है या एक डेंट आ सकता है, जिससे कि गुलाब जामुन की शेप खराब हो जाएगी। तो दोस्तों आप इनको एकदम आराम आराम से ऐसे घुमा घुमा के पूरा फ्राई करना, और जैसे ही इनके ऊपर एक सरफेस ही चढ़ जाए ना, एक रंग सा चढ़ जाए, फिर आप यहाँ पर करछी का यूज कर सकते हो। और करछी को बिल्कुल आपने ऐसे चलाना है, ये देखो साइड से आपने चलाना है, और बीचों बीच बिल्कुल भी मत करना पहले पहले। जब और थोड़ा सा रंग आ जाए, ये देखो मैंने आपको तीन स्टेजेस दिखाए हैं, ये तीन स्टेजेस होते हैं गुलाब जामुन के, तो जैसे ही सेकेंड स्टेज हो और रंग आ जाए गुलाब जामुन में, तो आप यहाँ पर गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि कलर बहुत ही इवनली और भी अच्छा आ जाए, ताकि थोड़ा सा और डार्क कलर लेने लग जाए गुलाब जामुन, नहीं तो फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जैसे ही बिल्कुल गुलाबी सा रंग आ जाए, ओए ओए ओए, इनको चाशनी में डालना है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि ध्यान देना कि चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, बहुत गर्म नहीं, थोड़ी गर्म होनी चाहिए, मतलब वार्म के आसपास, तभी वो चाशनी को पी पाएंगे। और आप देख सकते हो मैंने जानबूझकर चाशनी वाली कढ़ाई को पहले ही गैस पर रखा है, ताकि अगर मुझे गर्म करना हो तो मैं गर्म भी कर पाऊँ और मेरे गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट और एकदम रस से भरे हों। है ना दोस्तों, एकदम इजी सी रेसिपी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, गुलाब जामुन या रसगुल्ले। इस फेस्टिव सीजन में और भी आसान चीजें बनाने के लिए आप इन वीडियोस पे क्लिक करना, आपके बहुत काम आएंगी।